मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज उज्जैन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम यात्रा गीता कॉलोनी स्थित निजी निवास से शुरू होगी, जिसके बाद शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। मंगलवार को सीएम के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया था और उन्होंने करीब 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे और उज्जैन के अस्पताल में भर्ती थे। पिता के निधन की खबर सुनते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देर रात उज्जैन पहुंच गए थे और आज सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका जो निज आवास है गीता कॉलोनी में, वहां से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होनी है और सीएम खुद इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए, घर में अगर किसी का भी निधन हो जाता है तो बेहद दुखद होता है, गमगीन माहौल होता है, और ऐसे में खासकर जब पिता की मृत्यु हो जाए, पिता अगर हमें छोड़कर चला जाए, तो उस वाक्य को शब्दों में बयां नहीं कर सकते और यही कुछ माहौल सीएम के घर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और पिता के निधन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, परम पूज्य पिताजी श्रद्धेय श्री पूनम चंद यादव जी का देवलोक गमन मेरे जीवन की अपूर्णीय क्षति है। पिताजी का संघर्षमय एवं नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण जीवन हमेशा मर्यादित पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहा है। आपके दिए संस्कार हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। पिताजी के श्री चरणों में शत शत नमन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संतोष, सीएम के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, आज उनके पिताजी का अंतिम संस्कार होना है, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद पिताजी के अंतिम संस्कार की जो पूरी तैयारियां वो हो चुकी है। यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए भी स्टेज लगाया गया है, मंच लगाया गया है। यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा जाए, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और ठीक 11:30 बजे निवास से यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर लगातार सभी लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में हर शख्स, पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है और जिस प्रकार पिता का साया उनके ऊपर से उठ चुका है, तो कहीं ना कहीं पूरा गम का माहौल पूरे परिसर और पूरे क्षेत्र घर के बाहर छाया हुआ है। तो सभी से हाथ जोड़कर वो मिल भी रहे हैं। किसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में क्षति हुई है, पूरे मध्य प्रदेश के रहवासियों को लगातार मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार सभी से संपर्क में थे, और किस प्रकार का उनके पिताजी का उनके ऊपर मार्गदर्शन रहा है, क्योंकि पूरे परिवार को उन्होंने पाला है। हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी भी हैं, सर पूनम चंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, किस प्रकार उनको जानते थे, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है? घर की बुनियादें दीवारें नामो दर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें नामो दर थे बाबूजी, सबको साथ रखने का हुनर रखते थे बाबूजी। परम श्रद्धेय पूनम चंद जी यादव साहब बहुत ही कर्मठ, साहसी, संघर्षशील, सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे और जीवन हमेशा उनका संघर्षों में रहा है, और इस संघर्षों के पायदान पर उन्होंने चलते चलते खुद के जीवन को तो संवारा, लेकिन हमारे प्रदेश और भारत को डॉक्टर मोहन यादव के रूप में एक ऐसा रत्न दिया है जिसके विकासशील सोच, सद्भावना की सोच ने प्रदेश को एक नया आयाम दिया है। माननीय पूनम चंद जी यादव साहब शुरू से मेरा उनका पारिवारिक रहा है और डॉक्टर मोहन यादव और हम बचपन के मित्र हैं। देखने में आता था कि वे साधारण से कपड़े पहनते थे, काली टोपी लगाते थे, सादगी भरा जीवन था, लेकिन उन्होंने इन सब के बीच में पूरे परिवार को संभाला। अपनी बिटिया कलावती यादव जी को उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में देखा, 8 बार की पार्षद रही और वर्तमान में सभापति हैं, और सबसे बेहतर बात है कि एक छोटी सी गली में रहने वाला गरीब सा व्यक्तित्व जिसने संघर्षों के साए में अपना जीवन ढाला हो, और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश की कमान को संभाला है और भारत में अपना एक स्थान बनाया है, और इस 100 वर्ष की आयु में किसी भी पिता को इससे अच्छा और क्या लग सकता है। और पिता को जब भी सुख पहुंचता है जब उसका पुत्र उससे कहीं आगे की ओर जाता है। तो मैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन प्रदेश की ओर से, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से, शिक्षक परिवार की ओर से,
उदित्य समाज की ओर से समझना चाहेंगे, जब जब मुखिया यहाँ आते थे, चाहे वो विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में, जब भी यहाँ आते थे, कोई बड़ी उपलब्धि उनके हासिल, तो पिता से गले मिलकर उनका आशीर्वाद लेते हो, जेब खर्च भी लेते थे। कई बार विस्तार न्यूज़ ने भी कैमरे में कह दिया, और कोई से भी, चाहे मुख्यमंत्री की बात नहीं हो, कई किसान आते थे, क्योंकि किसान बाबू जी का पूरा जीवन किसान में रहा है, तो कई भी कई किसान आते थे उनके पास निराकरण के लिए। पूनम चंद यादव साहब बहुत सरल सहस्त्र थे, साथ ही मजाकिया स्वभाव के भी थे, और उनका कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ थी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पकड़ थी, और ये प्राकृतिक थी, और वे जिस सोच को रखते थे वो मोहन जी को स्थानांतरित करते थे। नारायण जी यादव, नंदू जी यादव, ये उनके पुत्र थे, और वो उस व्यवसाय में हमेशा उन उत्तरोत्तर प्रगति की है। और मोहन जी भी अपने पिताजी के मजाकिया स्वभाव को समझते थे, और जब भी आते थे तब उनसे वो हाथ खर्चे के पैसे मांगते थे। ये हालांकि मजाकिया है, लेकिन ये एक पिता पुत्र के प्रति जो अनन्य प्रेम है, ये उसका द्योतक है। तो ऐसे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जिस प्रकार से पूनम चंद जी यादव साहब का योगदान रहा है, और उनका अपना अलग से व्यक्तित्व रहा है, और उनका व्यक्तिगत क्षेत्र रहा है, तो मैं उन्हें आदरांजलि श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनका नेतृत्व रहा है, पूरे प्रदेश के मुखिया हमको दिया है, और अभी हम दिखाते हैं जिस प्रकार ये जो मंच की तैयारी की है, यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। जो भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर बारी बारी से पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे। और कई अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, सभी यहाँ पर सिलसिलेवाइज यहाँ पर घर पर पहुँचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि पिता और पुत्र का मिलन ही अद्भुत होता है, और पिता का साया ही होना हमारे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। बिल्कुल संतोष जी, क्योंकि पिता सपोर्ट सिस्टम की तरह होता है, और जैसा व्यक्तित्व रहा है पूनम चंद यादव जी का, जो उनके पड़ोसी हैं, जो उन्हें जानने वाले, वो भी बता रहे हैं कि कितने सरल स्वभाव के थे, और किस तरह से उन्होंने संघर्षों में जीवन अपना बिताया, और इसके बाद सीएम जो डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाने में भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। तो पूरा जो मध्य प्रदेश है वो गमगीन है, चाहे पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, या फिर आम जनता हो, सभी इस खबर से बेहद दुखद है।